वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो बच्चों, यहाँ पर हम इंग्लिश का लेसन टू, एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड का इंग्लिश वर्कशॉप का पार्ट टू है, जो मुकम्मल कर रहे हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इससे पहले मेरे कई वीडियो अपलोड हैं, जिसमें उर्दू, तारीख, जोग्राफिया, सियासियात और अब ये इंग्लिश के सभी क्वेश्चन आंसर अपलोड हैं। तो आप इससे ज़रूर इस्तेफादा करें। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा पार्ट टू चालू हो रहा है, एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, जिसमें हम ग्रामर सॉल्व करेंगे। तो चलिए, पहला है, हमने 8 तक के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारा नवा सवाल चालू हो रहा है। राइट अ पैराग्राफ एंड गिव एन अप्रोप्रिएट लाइट टाइटल टू इट, यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको लेकर हमें एक पैराग्राफ लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, एनिमल अवर बेस्ट फ्रेंड। तो हमारे टाइटल को पहले हम देखते हैं क्या क्या है। बर्ड्स एंड एनिमल, लॉयल, सर्व अस, काइंडनेस, हॉनेस्ट, कंपेशन, लव एंड अफेक्शन, अवर बेस्ट फ्रेंड्स, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, डू नॉट हर्ट और डिस्ट्रॉय अस, लोनलीनेस अवॉइडेड। तो हम यहाँ पे अवर बेस्ट फ्रेंड को लेकर एक पैराग्राफ दिखाते हैं आपको। देखिए, एनिमल अवर बेस्ट फ्रेंड, मैंस एंड रिलेशन विथ एनिमल इज़ वेरी ओल्ड। मैन का जो रिलेशन है एनिमल के साथ, वो बहुत ही पुराना है। द फ्रेंडशिप बिटवीन मैन एंड एनिमल इज़ मोर रिलायबल। ये जो इंसान और जानवरों का जो बिटवीन जो इनकी फ्रेंडशिप रहती है, इन दोनों के बीच के दरमियान की, वो बहुत भरोसे लायक होती है। द पेट एनिमल रिस्पॉन्ड बेटर टू आवर केयर, लव एंड फ्रेंडशिप। जो पेट एनिमल होते हैं, वो हमारे रिस्पॉन्स को अच्छी तरह से समझते हैं, हमारे केयर को, लव को, अब फ्रेंडशिप को वो खुद समझते हैं। दे आर लॉयल एंड फेथफुल ऑलवेज, वो हमेशा भरोसेमंद और एक बोलते हैं लॉयल, यानी हमारे मतलब जो भी हम करते हैं ना, उसके लिए वो फेथफुल रहते हैं और हमेशा भरोसे लायक रहते हैं। कैट, डॉग, हॉर्स एक्सेट्रा आर आवर फ्रेंड्स। कैट यानी बिल्ली, कुत्ते और हॉर्स जो है, वो हमारे दोस्तों की तरह हमेशा रहते हैं। दे सर्व अस इन डिफरेंट वेज, वो हमारी कई तरह से मदद करते हैं। कैट्स आर वेरी पॉपुलर एज पेट्स, जब कैट को देखेंगे आप ज़्यादातर ना, तो पेट्स के तौर पे वो ज़्यादातर घरों में पाई जाती है। दे आर ऑल्सो वेरी गुड टू प्ले विथ, और वो खेलने के लिए भी अच्छी लगती है। डॉग आर केप्ट एज पेट फॉर प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी, डॉग को हम क्यों रखते हैं, वो हमारा प्रोटेक्ट करता है और सेफ्टी करता है हमारे लिए, जो है एक जैसे एक पहरा देता है हमारे घर को, प्रोटेक्ट करता है कि हम सोते हैं और वो पहरे पे रहता है। दे आर वेरी फेथफुल एंड लॉयल, वो बहुत ही भरोसे लायक हमारे लिए है। दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम थेफ्ट, वो हमें चोरों से बचाता है। दे हेल्प इन डिटेक्टिंग एंड ट्रैकिंग थीव्स एंड क्रिमिनल्स, वो क्या करता है, देखिए, डिटेक्टिंग करता है वो, ट्रैकिंग यानी वो कोई छुपा हुआ होता है उसे भी वो ढूंढ के निकाल देता है, चोरों को, क्रिमिनल्स को, पुलिस की मदद करता है वो। डॉग्स आर इंटेलिजेंट एंड हैव अ वेरी सेंसिटिव नोज, तो डॉग के पास जो नाक है ना, वो सूंघ कर बता देती कि कोई कहाँ पे है, वो ढूंढ के इसी तरह से निकाल देता है, तो उसकी नाक जो है बहुत सेंसिटिव है। काउ, बफेलो हेल्प फार्मर इन फार्मिंग, काउ और बफेलो जो गाय भैंसे हैं, वो भी क्या होता है, फार्मर यानी किसान के काम आती हैं। बर्ड ऑल्सो हेल्प फार्मर्स बाय ईटिंग इंसेक्ट, जो बर्ड्स होती हैं, जो चिड़िया वगैरह होते हैं, वो सब क्या होता है, फार्मर की कहाँ मदद करते हैं, वो जो उनके खेतों में एक इंसेक्ट होते हैं ना, छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, वो उन्हें खाते हैं। बर्ड्स ऑल्सो कीप अवर सराउंडिंग नीट एंड क्लीन, बर्ड्स क्या करते हैं, वो गंदगी खावा लेते हैं, कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं, इसकी वजह से हमारे सराउंडिंग में जो हमारे आसपास का माहौल है वो साफ सुथरा रहता है। दस एनिमल एंड बर्ड्स आर ग्रेट एंड रिलायबल फ्रेंड्स ऑफ अवर्स, तो एनिमल और बर्ड्स क्या है, वो हमारे लिए बहुत ही भरोसेमंद और ज़रूरतमंद भी हैं हमारी दोस्ती के लिए। विदाउट देम लाइफ वुड हैव लॉस्ट हाफ ऑफ इट्स चार्म, इनके बिना क्या होता है, हमारी ज़िंदगी की हाफ जो चार्म है यानी मज़े हैं, वो कम हो जाते हैं। सो आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट, सेव एंड लाइफ एनिमल्स, द लाइफ एनिमल्स आर ट्रीट देम फ्रेंडली एंड डू नॉट किल देम,
तो इसलिए उन हमारी ड्यूटी बनती है कि हमारे हम उन्हें सेव करें, हमें उन्हें बचाएं और उन्हें हर अच्छी तरह से ट्रीट करें और बिना बेवजह उन्हें ना मारें। तो यहाँ पर देखिए 10वां सवाल, कंप्लीट द रिमेनिंग ब्लॉक डिटरमिंग द टाइप्स ऑफ न्यूज़। तो यहाँ पर बिजनेस और स्पोर्ट्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्राइम पे भी हम टाइप्स ऑफ न्यूज़ कर सकते हैं। क्राइम यानि जुर्म पे पॉलिटिकल यानि सियासियात, इकोनॉमिक्स यानि माशियात, फिल्मों से रिलेटेड हम न्यूज़ बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें टेम्पलेट फॉर अ न्यूज़ रिपोर्ट, यहाँ पे हेडलाइन कैसे डाला जाएगा टेम्पलेट न्यूज़ रिपोर्ट के लिए, डेडलाइन, इंट्रो, शॉर्ट कंटिन्यू पैराग्राफ और कंक्लूजन। तो देखते हैं इसका एग्जांपल। देखिए रीड द फॉलोइंग हेडलाइन एंड राइट अ न्यूज़ रिपोर्ट, फॉलो द स्टेप एज गिवेन। अब किस स्टेप से करना है, तो पहले हम हेडलाइन ले लेंगे। तो हमने डाला टाइगर अटैक 8 ईयर्स ओल्ड एट राजीव गांधी नेशनल पार्क। डेट लाइन डालेंगे 4 अप्रैल संडे। लीड लाइन है एन 8 ईयर्स ओल्ड बॉय वॉज किल्ड बाय अ टाइगर नियर बाय 3 PM ऑन सैटरडे इन राजीव गांधी नेशनल पार्क इन बोरीवली। तो हेडलाइन में था कि टाइगर ने अटैक कर दिया 8 साल के बच्चे पर और जिसे उसने मार दिया है और राजीव गांधी नेशनल पार्क में। 4 अप्रैल संडे के दिन था वो, और लीड लाइन में वो बता रहे हैं कि 8 ईयर्स ओल्ड बॉय वॉज किल्ड बाय अ टाइगर, टाइगर ने उसे मार दिया। कहाँ पे, नियर बाय 3 PM ऑन सैटरडे, सैटरडे के दिन दोपहर 3 बजे इन राजीव गांधी नेशनल पार्क इन बोरीवली में। फिर बॉडी ऑफ द रिपोर्ट्स क्या है, द इंसिडेंट ऑकर्ड व्हेन बॉय स्टैंडिंग विथ हिज मदर नियर द पार्क। जब वो लड़का, इंसिडेंट कब हुआ, जब वो लड़का अपनी मदर के साथ पार्क के नज़दीक खड़ा था। सडनली टाइगर जंप ऑन हिम, सडनली क्या हो गया, अचानक से टाइगर ने उस पर जंप कर दी और ड्रैग्ड हिम अवे और उसे खींचता हुआ ले गया। हियरिंग द स्क्रीम, ये सुनकर आसपास के लोग शोर शराबा होने लगा, तो लोग आए, पीपल ऑफ द स्लम, जो वहाँ के झोपड़पट्टी के लोग थे, स्लम यानी झोपड़पट्टी होता है जिसे कि वहाँ लोग लोकेटेड है राजीव गांधी नेशनल पार्क के आसपास, रश टू द स्पॉट, तो वहाँ पर क्या हो गया, लोगों की भीड़ जम गई। दे ऑल्सो इमिडिएटली कॉल द पुलिस, उन्होंने फ़ोन करके पुलिस को भी इतला दी। हु इन्फॉर्म फॉरेस्ट ऑफिशियल, उन्होंने फॉरेस्ट ऑफिशियल को भी बताया। सर्च टीम सेट आउट इन सर्च ऑफ अ बॉय आउट और फाउंड नथिंग। सर्च टीम सेट आउट, वहाँ पे सर्च टीम पहुँची और आसपास का उन्होंने सब मुआयना किया, लेकिन वहाँ पे उन्हें बॉय की बॉडी कुछ नहीं मिली। अब यहाँ पर देखेंगे बी में, रीड द फॉलोइंग हेडलाइन एंड राइट द डिटेल डेट लाइन इंट्रो एंड शॉर्ट कंटिन्यूइंग पैराग्राफ। तो यहाँ पे दो आपको पैराग्राफ बनाने हैं। तो पॉइंट्स हैं, अचीवर नरेट देयर सक्सेस स्टोरी एट करियर काउंसलिंग इवेंट। करियर काउंसलिंग इवेंट है वहाँ पर और लोग जो सक्सेस कर गए हैं वो अपने आप को अचीव किस तरह से किया है वो बताना है, तो उसका एक आपको पैराग्राफ बनाना है। दूसरा है, इंडियाज फर्स्ट एवर टूरिज्म यूनिवर्सिटी टू बी इस्टेब्लिश बाय IIHM, इंडियन इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट के बारे में। यहाँ पर ये इंडिया में फर्स्ट इवेंट टूरिज्म यूनिवर्सिटी का फर्स्ट टाइम पे यहाँ पर इस्टेब्लिश यानी शुरुआत हो रही है, जिसे IIHM ने किया है, तो इस पर भी एक पैराग्राफ बनाना है। तो चलिए पहले हम ये वाला करते हैं, अचीवर नरेट देयर सक्सेस स्टोरीज एट करियर काउंसलिंग इवेंट्स। यहाँ पे हुसैन शेख स्टाफ रिपोर्टर हैं, मंडे में फाइव में है 2020 है, मुंबई। सक्सेस इज नॉट लक्की, हार्ड वर्क इज अ की। सक्सेस जो है वो लक से नहीं मिलता, हार्ड वर्क से मिलता है। ऑफ सक्सेस एज वी शुड नेवर गिव अप होप, और हमें इसके लिए मेहनत करनी चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दिस काइंड ऑफ थॉट एक्सप्रेस इन करियर काउंसिलिंग इवेंट, इस तरह की एक्सप्रेस यानी अपने जो हालात को इस तरह से वो काउंसिलिंग कर रहे थे और बता रहे थे। कहाँ के इवेंट में, इवेंट हेल्ड एट SM कॉलेज संडे, संडे के दिन SM कॉलेज में यहाँ पर ये सब बयान हो रहा था। टॉप रैंकर ऑफ 2019 MPSC बैच के 2019 के टॉप रैंकर में अनवर खान
इजाज़ शेख एंड हामिद सिद्दीकी वेयर प्रेजेंट ऑन द ओकेजन एंड दे एक्सप्रेस ग्रेट नीड ऑफ हार्ड वर्क स्किल फॉर द सक्सेस इन लाइफ। ये तीनों जो यहाँ पे 2019 के एमपीएससी के टॉपर्स रहे हुए हैं, इन्होंने भी वहाँ पे प्रेजेंट थे और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, लोगों को बताया कि सक्सेस पाने के लिए किस तरह की राहें हमें इख्तियार करनी चाहिए और कितना हार्ड वर्क करना चाहिए। ऑल द टॉपर्स अनफोल्ड देयर रोड टू सक्सेस ऑन दिस ओकेजन। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी अपनी कामयाबी की राहें किस तरह से पाई जा सके उसको बयान किया। मिस्टर भंसाली पवार एमएलए ऑफ मुंबई वॉज प्रेजेंट ऑन द ओकेजन एज अ चीफ गेस्ट। यहाँ पर मुंबई के भंसाली पवार एमएलए हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट थे, जो चीफ गेस्ट के यानी मेहमान खुसूसी के तौर पर भी यहाँ प्रेजेंट थे। ही ऑल्सो गाइड द स्टूडेंट ऑन दिस ओकेजन। उन्होंने भी अपनी तरह से बच्चों को गाइड किया कि किस तरह से सक्सेस पाया जाता है। दूसरा है इंडियाज फर्स्ट ईवर टूरिज्म यूनिवर्सिटी टू बी इस्टेब्लिश बाय IIHM, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, May 5, 2020। तो यहाँ पर जो है द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट IIHM विल सून बी कमिंग अप विद द कंट्रीज फर्स्ट एवर टूरिज्म यूनिवर्सिटी नेम्ड IIHM यूनिवर्सिटी इन वेस्ट बंगाल अंडर द WB प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट इन कोलेबोरेशन विथ वर्ल्ड टॉप इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट यानी IIHM जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जो है, वो यहाँ पर जल्द ही एक इंस्टीट्यूट खोलने जाती है। टूरिज्म का पहला यहाँ पर सबसे पहला यूनिवर्सिटी खुलने वाला है जो कि वेस्ट बंगाल में है, जिसकी जो WB प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंडर में ये काम करेंगे। डॉक्टर सुब्रतो बंसल CEO हैं यहाँ पे। जो ये डॉक्टर बंसल हैं ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है IIHM ग्रुप के। ये इनका ये कह रहे हैं, इनका कहना है कि इनका मकसद है, आवर विजन इज टू क्रिएट फाइनेस्ट टूरिज्म यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड विच विल प्रोवाइड ह्यूज जॉब अपॉर्चुनिटी। तो इनका मकसद है कि दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी बनाए जो बच्चों को बहुत सारे नौकरी प्रोवाइड करेंगे यानी जॉब देंगे। तो IIHM जो है इस यूनिवर्सिटी को बनाने में, यहाँ पे देखिए IIHM इज इन्वेस्टिंग 150 करोड़ इन सेटिंग अप द यूनिवर्सिटी। तो यहाँ IIHM इज इन्वेस्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे अपना 150 करोड़ रुपए जो है वो खर्च कर देंगे वो इस यूनिवर्सिटी बनाने में मदद के तौर पर। अब लैंग्वेज स्टडी में देखेंगे वन में प्रेजेंट पार्टिसिपल, द फॉर्म ऑफ अ वर्ब एंडिंग इन ING विच इज यूज इन फॉर्मिंग कंटिन्यूस टेंसेस। फॉर एग्जाम्पल ही इज सिटिंग हियर। अब ये सिटिंग जो है ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। नाउ फाइंड आउट द ING फॉर्म फ्रॉम द स्टोरी एंड क्लासीफाई देम इनटू द फॉलोइंग टेबल। अब यहाँ पर टेबल दिया गया है तो यहाँ पर हमें एडजेक्टिव सब देख लेना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज एज एन एडजेक्टिव और एज अ वर्ब यूज इन अ कंटिन्यू टेंस। तो यहाँ पर पहले हम एडजेक्टिव को देख लेंगे, ट्विंकलिंग आइज फर्स्ट मेरेडुइंग लंगूर, सेकेंड में है स्लोपिंग रूफ, थर्ड में है केयरिंग आर्म, फोर्थ में है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, फिफ्थ में है वॉचिंग द बॉय। और यहाँ पे हम देखेंगे कंटिन्यूस टेंस वर्ब के तौर पर एज होल्डिंग, फर्स्ट में है वेयर विटनेसिंग, सेकेंड वॉज ओजिंग, ओजिंग यानी ओवरफ्लोइंग, थर्ड में वॉज ब्रीथिंग, फोर्थ में वॉज पॉन्डरिंग, पॉन्डरिंग है डीप थिंकिंग गहराई से सोचना, फिफ्थ में है वॉज ट्राइंग। इस तरह से आप बनाएं और यहाँ पे देखिए स्पॉट द एरर एंड करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। पहले हमें इसमें गलतियाँ ढूंढना है और फिर उसे दुरुस्त भी करना है। माई ग्रैंड पेरेंट्स लेड डाउन फॉर एन आफ्टरनून नैप। तो यहाँ पे लेड जो है वो गलत है, ले होना चाहिए। बी में देखेंगे स्ट्रेंजर वेयर नॉकिंग एट आवर डोर। तो यहाँ पे स्ट्रेंजर एक है तो वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। और माई सिस्टर एंड आई शेयर्स आ स्टडी रूम। तो यहाँ पे क्या है, वो और दो लोग हैं
और लेकिन क्या है, शेयर करना है तो ये शेयर्स नहीं आएगा, शेयर आएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड इज लिविंग स्कूल, तो वन ऑफ माई फ्रेंड एक से ज्यादा दोस्त हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड नहीं फ्रेंड्स आएगा। आई फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वेयर फ्लाइंग ओवर हेड, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है लेकिन फ्लॉक एक ही है, यानी उनका जो झुंड है वो एक है, तो इसलिए यहाँ पे वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, रिवराइट द सेंटेंसेस एज पर इंस्ट्रक्शंस गिवन अलोंग विथ। तो फर्स्ट में है आई टुक द बेबी लंगू टू अवर बैकयार्ड, तो यहाँ क्या करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस करना है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए जैसे कि हम जानते हैं कि पास्ट का हेल्पिंग वर्ब हेड होता है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है, तो जैसे टुक का आ जाएगा टेकन, और यहाँ पर ये पास्ट टेंस है इसलिए यहाँ पे आई हैड, तो यहाँ पे बनेगा आई हैड टेकन द बेबी लंगूर टू अवर बैकयार्ड, और पीछे का सब वर्ड सेम ही रहेगा। सेकेंड है सिंपल, शी सिंपली सेट देयर क्वाइटली, तो यहाँ पे हमें करना है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। तो यहाँ पर क्या लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर आता है, तो शी के साथ लग जाएगा इज, और वर्ब के साथ आई एन जी लग जाएगा, तो बनेगा शी इज सिंपली सिटिंग देयर क्वाइटली। अब सी में देखेंगे, द मदर लंगूर लुक्ड स्ट्रेट इन टू माई आईज, तो यहाँ पे हमें करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या करेंगे, पहले डू और डज का इस्तेमाल होता है, अगर नाम है तो इसके साथ डज और डज जब वर्ब के अंदर छुप जाता है तो वर्ब में उसके साथ एस या ई एस लगाया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे द मदर लंगूर, क्योंकि यहाँ पे मदर लंगूर नाम है तो यहाँ पर वुड नहीं, यहाँ डज नहीं आएगा, उसकी जगह पे आ जाएगा सीधा लुक्स स्ट्रेट इन टू माई आईज, बाकी का सब सेम ही रहेगा। डी में देखेंगे द सर्वेड द एरिया ऑफ द विक्सियस एविल, यानी जालिम मेल लंगूर, तो हमें करना है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर सिंपल सिंपल फ्यूचर में क्या आता है, विल और शैल आता है, तो शी के साथ विल यूज होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा, तो बन जाएगा शी विल सर्वे द एरिया फॉर द विक्सियस मेल लंगूर। तो यहाँ पर हमारा बच्चों, यहाँ पे हमने आपको पूरा चिट चैट भी करा दिया और पूरे क्वेश्चन आंसर जो भी वर्कशॉप में थे हमने पूरे कंप्लीट करा दिए। तो मुझे उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको सब समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम अपना ख़त्म करते हैं, तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, ताकि उन्हें भी घर बैठे ऑनलाइन काम में आसानी हो। और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो बच्चों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।